अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ में फिफ्थ लेक्चर साइंस का है जिसमें हम सिक्स चैप्टर को डिस्कस करेंगे, मैटर। ठीक है, इसमें इसके वर्ड्स मीनिंग और क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग देखते हैं। पार्टिकल ज़र्रात या अनासिर बोल सकते हैं। ठीक है, मैटर मादा, टीनी छोटा, सब्सटेंसेस मादे, यूनिवर्स कायनात, स्पेस खला, ऑब्जर्व मुशाहिदा, बीम शुआ, मेल्ट पिघलना, एवेपोरेशन बुखारात, फ्रीज जमना, लिक्विड ठोस, लिक्विड माया, गैस गैस, स्प्रिंकल छिड़कना, डिफ्यूजन इंतशार, एक्सपेंशन फैलाओ, इंक्रीज बढ़ना, बॉयल उबलना, इनर अंदरूनी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। जो पहला क्वेश्चन हमारे पास, गिव द डेफिनेशन ऑफ मैटर। Everything in the universe is composed of matter. Matter is anything that has weight and occupies spaces. Question number 2 जो हमारे पास है वो है, what are the properties of matter? Matter is made up of many of very tiny particles that have spaces between them. These particles keep moving and bumping into each other all the time. क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, नेम द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर इज फाउंड इन डिफरेंट स्टेट्स, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, हाउ कैन इट बी प्रूव बाय एक्सपेरिमेंट दैट द पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग। इसका आंसर है हमारे पास, पार्टिकल ऑफ मैटर मूव अबाउट ऑल द टाइम। उसके बाद इसका एक्सपेरिमेंट देखेंगे हम। ऑब्जर्व अ बीम ऑफ लाइट कमिंग इन टू द डार्क रूम थ्रू अ स्लाइट इन द सर्टेन। Millions of dust particle will be seen dancing about into the beam of light. This show that particle of matter always moving. Question number 5 hamare paas, what is diffusion? Describe an experiment that provide evidence of diffusion. Uska jo answer hai hamare paas, the mixing of particle is called diffusion. Uske baad iska experiment hai, put a drop of red ink into a beaker containing water. The red color of the ink will spread evenly in the water, making it pink. Explanation is ki dekhenge, the particle of ink moving about as well as those of the water, the particle of ink fill the spaces between the water particle and so the water appears pink. This mixing of particle is called diffusion. Ab hum book work dekhte hain. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें जो पहला है हमारे पास वो, उसमें उसके जो आंसर हैं वो सॉलिड लिक्विड और गैस, दूसरे में मेल्ट, तीसरा हमारे पास गैस, जो 4 है वो हमारे पास इवेपोरेशन, और जो फिफ्थ है लास्ट वाला उसमें सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट आंसर। इसमें पहला हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इसका जो आंसर है वो है वाटर। दूसरा है हमारे पास, द स्पेसिस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ गैस आर bigger than a liquid or solid. तीसरा हमारे पास है, which one of the following is property of solid? It has a fixed volume and shape. जो 4 है हमारे पास है, gas can be compressed because they have large space between particles. जो 5th है वो हमारे पास, the change of state from solid or vapors is called sublimation. अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।